इस बात में कोई डाउट नहीं कि सलमान खान बॉलीवुड के मोस्ट डिजायरेबल एक्टर हैं। हर बड़ी एक्ट्रेस उनके अपोजिट कास्ट होना चाहती है, उनकी एक्ट्रेस बनना चाहती है। लेकिन बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण का नाम इकलौता ऐसा है जिन्होंने सलमान खान के साथ कभी काम नहीं किया, और मीडिया ट्रायल में, पब्लिक ट्रायल में एक खबर हवा में उड़ती रहती है कि सलमान खान को एक बार नहीं बल्कि चार चार बार दीपिका ने रिजेक्ट किया है। हालांकि ये र्यूमर है, अफवाह है। दीपिका पादुकोण ने कभी सलमान खान को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि संयोग ऐसे नहीं बने जहां पर दीपिका सलमान खान की कास्टिंग हो पाए। हालांकि मजेदार ट्विस्ट ये है कि सलमान खान इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने दीपिका पादुकोण के टैलेंट को पहचाना था और ओम शांति ओम से बहुत पहले उनको कास्ट किया था अपनी मूवी में। यह अलग बात है, दीपिका पादुकोण उस मूवी में काम नहीं कर पाई और सलमान खान को उन्होंने मना कर दिया ये कहते हुए कि उनको फिल्मों में नहीं आना है, वो अपने डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में रहती हैं और फिल्मों से दूरी बनाकर रहेंगी। तब वो विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या को डेट कर रही थी और मॉडलिंग में ही एक्टिव थी। हालांकि दो साल बाद जब वो ओम शांति ओम में फीचर हुई तब उनको याद आया सलमान खान का वो स्टेटमेंट, जहां सलमान खान ने कहा था कि आप में एक्ट्रेस होने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है और आप अगले सुपरस्टार बन सकते हो। तब दीपिका पादुकोण को लगा सलमान खान को टैलेंट की परख है, सलमान खान जान जाते हैं किस में क्या पोटेंशियल है, और तभी सलमान खान ने उनके दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा प्लांट किया था। हालांकि दो साल बाद दीपिका पादुकोण ने ओम शांति ओम से कदम रखा, उससे पहले मॉडलिंग की दुनिया में जाना पहचाना नाम थी। इसके अलावा टी सीरीज के एल्बम में काम भी करती थी। आपको याद होगा हिमेश रेशमिया के एल्बम आया था तेरा सुरूर, वहां दीपिका पादुकोण को फीचर किया गया था। इसके साथ साथ किंगफिशर के कैलेंडर में भी फीचर होती थी बहुत ही हॉट अवतार में। लेकिन सलमान के साथ कुछ संयोग ऐसा बना जहां दीपिका पादुकोण चाहकर भी काम नहीं कर पाई। हालांकि अब स्पाई यूनिवर्स के अगले पार्ट में हो सकता है पॉसिबिलिटी आ जाए, बिकॉज पठान में टाइगर भी था, पठान भी था और दीपिका भी थी, लेकिन एक सीन ऐसा नहीं आया जहां पर तीनों एक साथ हों। अगले पार्ट में उम्मीद बन जाती है। वैसे भी दीपिका पादुकोण हमेशा बिग बॉस में जब सलमान खान के साथ आती है अपनी मूवी प्रमोट करने, तब इस बात पे अफसोस जाहिर करती है कि उनको सलमान खान के साथ एक मूवी में काम करना है, और लगता है कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस बात को सुन रहा होगा और बहुत जल्दी दोनों को कास्ट करेगा, बिकॉज दोनों की ट्यूनिंग, दोनों की वाइब्रेशन बहुत पुरानी है और दोनों एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो जो मीडिया ट्रायल की अफवाह है सलमान खान की ह्यूमिलेशन की और दीपिका पादुकोण के रिजेक्शन की, वो झूठी है, कोरी है। मीडिया को इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए, बिकॉज जो बड़े एक्टर हैं वो एक साथ काम करना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, अक्षय हो, अजय हो, कोई किसी से ईगो नहीं पालता, उल्टा एक दूसरे के स्टारडम को बेनिफिट मिलता है जब दो बड़े स्टार कास्ट एक ही मूवी में एक साथ आते हैं और पब्लिक को भी एंटरटेनमेंट की सॉलिड डोज मिलती है। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।